आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और मणिजा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। सार्थक और मणिजा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों का इस्तकबाल करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर पाएं। सबसे अहम हो जाता है कि हमारी एल्टीग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो। और जब से हम लोगों ने ये सुना कि ये भर्ती शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी जा सकती है, तब से हम सभी लोगों ने और भी ज़्यादा ताकत लगाई कि ये भर्ती हर हाल में लोक सेवा आयोग से ही आनी चाहिए। आज आप सभी लोगों को समाचार पत्रों में कुछ सकारात्मक चीज़ें देखने के लिए मिली होंगी, लेकिन ये सकारात्मकता से प्रसन्न हो जाना ये कहीं का इंसाफ नहीं होगा। दरअसल होता क्या है कि जब हम लोगों का की नाराजगी एक्सट्रीम लेवल तक पहुँचती है तो अक्सर ये चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें वो देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि कल जनप्रतिनिधियों को हम लोगों ने एक सामूहिक रूप से ज्ञापन देने का जो एक लक्ष्य तय किया था कि उत्तर प्रदेश के लगभग 100 से अधिक विधायकों को टारगेट किया गया, उत्तर प्रदेश के लगभग 25 से अधिक सांसदों को टारगेट किया गया, और ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रयास हम सभी लोगों के सफल हुए हैं। मैं आप लोगों को स्पष्टीकरण दे दूँ कि अभी चुनावी आचार संहिता चल रही है और नवंबर में इलेक्शन है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कैबिनेट की मीटिंग होती है तो मंजूरी मिलेगी। अच्छा भैया, कैबिनेट की मीटिंग कब होगी? मैं आप लोगों को बता दूं, कैबिनेट बाय सर्कुलेशन या कैबिनेट की मीटिंग जिसमें किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये प्रस्ताव आज का नहीं है, ये प्रस्ताव, ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ये बातें कही हैं डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने। उन्होंने बताया है कि जितने प्रस्ताव भाई जो जो जिले चुनाव में हैं, ठीक है ना, वहाँ पे विकास कार्यों पर रोक लगेगी, ठीक है ना, वहाँ पे कोई विकास कार्य जो है नहीं होंगे, जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं वो चीज़ें होती रहेंगी, और कोई ऐसी चीज़ें मतलब लोक लुभावन जो कहते हैं कि नीतिगत पॉलिसी मैटर, वो चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जिनका प्रस्ताव पहले से ही गवर्नमेंट के पास पहुँच चुका है, बस उसको मंजूरी मिलनी है, क्योंकि ये छात्र हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है, नियमावली को मंजूरी देनी है। तो नियमावली को मंजूरी देने का तात्पर्य ऐसा तो नहीं है कि पूरे स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, तो नियमावली की मंजूरी देने के लिए कैबिनेट की मीटिंग होगी। इसमें एक नहीं 14 प्रस्ताव हैं, ठीक है ना, जिन प्रस्तावों को लेकर के गचमच हो रही थी, ठीक है। एलडी ग्रेड की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए दो चरणों की बात लोक सेवा आयोग ने बार बार की और इसे शासन के माध्यम से एक्सेप्ट कर लिया गया है। मतलब स्पष्ट है कि आगामी समय में आने वाली एलटी ग्रेड की भर्ती में आप लोगों को दो चरण अगर देखने के लिए मिले, इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए लोक सेवा आयोग को दिशा निर्देशित कर दिया गया कि आप इसका सिलेबस तैयार कराइए, ठीक है ना। और पदों की जानकारी आप लोगों को दी जा रही होगी कि 7800 समथिंग है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ये पद आप लोगों को 1190 देखने के लिए मिलेगा, नहीं सॉरी 11090 देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और इतनी बड़ी वैकेंसी होगी आपकी एलटी ग्रेड की, और जिसमें 390 पद बताए जा रहे हैं प्रवक्ता के और 100 से अधिक पद बताए जा रहे हैं बालिका वर्ग के। मैं आप लोगों को बता दूं 390 नहीं 790 है, ठीक है ना, 790 केवल आपके वो बालक वर्ग के हैं, मतलब पुरुष वर्ग का है, ठीक। और 250 से अधिक पद जो है वो आपके बालिका वर्ग के हैं, मतलब महिला वर्ग के हैं, ठीक है ना। मोटा मोटी अगर हिसाब किताब लेकर के चला जाए 900-950-970 के बीच में आप लोगों को ये वैकेंसी जीआईसी लेक्चरर की देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो प्रयास आप लोगों के लिए किए जाते हैं वो दिल से होता है, इसलिए कभी कोई समस्या आप लोगों से मैं अपनी शेयर नहीं करने आता, क्योंकि मैं जानता हूं आप पहले से ही परेशान हो, और ऊपर से मैं अपनी समस्या खुद आपसे अगर बोलूंगा तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे फिर, है ना। और बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो कि कहते नहीं कि मतलब उनका स्वभाव ही वही होता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो परीक्षा में सफल हो जाएंगे, अध्यापक बन जाएंगे, एलटी ग्रेड या जीआरसी लेक्चरर बन जाएंगे, नहीं, वो बस वीडियोस देखेंगे और कमेंट करेंगे, क्योंकि उनकी फितरत में वही चीज़ें सम्मिलित हैं। वो मानसिक रूप से जो है बहुत बीमार इंसान है, गेट वेल सून उनके लिए कहने की जी में इच्छा होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बोलते रहो, एक आध दिन लपेटे में आ जाओगे, खुद ही परेशान हो जाओगे, है ना। कहते नहीं है कि अगर कोई चीज़ें बार बार की जाएं तो 100 दिन का चोर एक ही दिन पकड़ाता है ना, बोला जाता नहीं ये चीज़,
वही चीजें होती हैं। एक आध दिन अगर हम कायदे से कमेंट देख लिए हो गया, कल्याण हो जाएगा फिर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बोलते रहिए। अभी फिलहाल हमारी स्वयं की भी व्यस्तता चल रही है, क्योंकि हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो हमारे भाई बंधु हैं, ठीक है ना, और अब उनका मैटर जो है क्लोज होने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सूचना मिली है कि मंगलवार तक, मतलब दीपावली के पहले पहले, आप लोगों का सरकारी जो जवाब है कोर्ट में वो फाइल होने चल रहा है, या हो सकता है कि दीपावली के बाद वो चीजें हो। लेकिन खुशी इस बात की है कि अब आप लोगों का मैटर बहुत जल्दी फाइनल होगा और जितने विद्यार्थी हैं सबको नियुक्तियां मिल जाएगी, ठीक है ना। आप लोगों की विजय श्री जो है सुनिश्चित है। आप लोगों को ज्यादा खुशी तो मुझे होती है, ठीक है, इस बात की खुशी होती है कि इतने सारे विद्यार्थियों को जब एक साथ जो है काउंसलिंग होगी, उनकी नौकरी उनको फाइनल होगी, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के लिए ये पल, भले ही आप मुझे भूल जाओ, ठीक है ना, वो मैं भी जानता हूँ कि बहुत से विद्यार्थियों को मैं करा करके मैं देख लिया हूँ जब उनकी नियुक्तियां होगी 2021 वाले में और 2016 वाले में। और बहुत से विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी मुझे याद आता है कि उस विद्यार्थी ने कहा था कि सर जी हम तैयार, मतलब उन्होंने मुझे, मेरे पास टेक्स्ट मैसेज किया था, व्हाट्सएप ने टेक्स्ट मैसेज किया था, और कि सर मैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ और हमारे परिवार की कंडीशन सही नहीं है, पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं, हम ही मेहनत करते हैं, हम ही घर का खर्च चला रहे हैं, लेकिन अगर आप हमें थोड़ी सी अगर हमारी मदद कर दें तो हो सकता है कि हम टीजीटी 2021 में सफल हो जाएं। हमने उनकी पूरी मदद की, अपना पूरा स्टडी मटेरियल उनको उपलब्ध कराया, हैंड रिटन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया, ठीक है ना, बाकायदा उनको टाइम टाइम पे गाइड भी करता रहा, यहाँ तक कि उनके मोबाइल का मैंने रिचार्ज तक किया कि अगर उनको कभी कोई समस्या हो तो वो मुझे कॉल कर सकें, ठीक है ना। और मैंने उस टाइम पे 155 का रिचार्ज किया था, और क्या बोलते हैं कि अगर वो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, वैसे तो देखते नहीं होंगे, लेकिन अगर देख रहे होंगे तो आज सोचा गया कि सर जी आज मेरी चर्चा कर दी है, और मैंने उनको पूरा मटेरियल उपलब्ध कराया, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन बैंक उपलब्ध कराए, कुछ हैंड रिटन मैटर उपलब्ध कराए, बाद में जो है मतलब 60 नोट उपलब्ध कराए हमने, ठीक है, सारी चीजें हमने उपलब्ध कराई। अब मैंने कोई कॉस्ट उनसे चार्ज नहीं किया, कोई भी पैसा नहीं लिया, बल्कि अपने ही पास से उनको जो है मैंने रिचार्ज करा करके दिया, मतलब जो स्पीड पोस्ट वगैरह कर रहा था वो भी मैं अपने पास से करवा रहा था। और उस बंदे का जब मतलब एडमिट कार्ड जारी हुआ, मैंने उससे एडमिट कार्ड मांग लिया, मैंने कहा दो देखेंगे हम रिजल्ट तुम्हारा। अच्छा, उसने एडमिट कार्ड नहीं तो दिया, लेकिन रोल नंबर अपना जरूर दे दिया। अच्छा, रोल नंबर दे दिया तो हमने कहा ऐसी बात है, तुम किसी जाओ जो है साइबर कैफे पे और उससे बोलो कि हमारी ईमेल आईडी पे जो है मतलब तुम्हारा एडमिट कार्ड वो ट्रांसफर कर दे, मतलब सेंड कर दे। अच्छा, उसने करवाया और और उसका चार्ज आता था 30 रुपए, ठीक है ना, ईमेल का भेजने का चार्ज 30 रुपए कर रहा था। 30 रुपए मैंने आज तक विपिन साइबर कैफे, मुझे याद है मैंने उसको QR कोड से पेमेंट किया था 30 रुपए। अब सोच लीजिए वो लड़का कितना ज्यादा अपने आप को तंग दिखा रहा था। अब मैं जानता हूं वो इतना ज्यादा तंग नहीं था, लेकिन फिर भी जब उसका एग्जाम वगैरह हुआ, सारी चीजें रिजल्ट आया, कॉमर्स में उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है ना, सिलेक्शन हो गया। तो एक दिन तो मतलब चलो ठीक है, को कॉल किया और बोला कहा सर जी मेरा सिलेक्शन हो गया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। मैंने कहा भाई मिलने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं जो है मतलब खुश रहिए, अपने परिवार के सपने पूरे करिए, अपने सपने पूरे करिए, यही बस यह है, दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन उसके बाद वो बंदा जो गायब हुआ, आज तक उसकी एक मिस कॉल तक नहीं आई। मैं कॉल भी करता हूँ अगर उसके पास कभी, अभी परसों मैंने कॉल किया था कि भाई देखें कहाँ पोस्टिंग हुई, कैसी क्या चीजें हैं, बंदा फोन ही नहीं किया ना मेरे पास रिटर्न कॉल किया। उसने कहा देखो यही होती है दुनिया। तो ऐसी ही चीजें 2016-2021 के हमारे भाई बंधुओं के साथ भी होगी, मुझे पता है, ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि 2016 में सेलेक्ट हुए, हमारी ही याचिका पर सेलेक्ट हुए, और उन्होंने पहले तो मतलब बहुत घी मक्खन तेल लगाया कि भैया कैसे भी करके फिसलने लग पाए, जब उनका हो गया तो सब गायब हो गए।
ठीक है, 2021 वाले भी और 2016 वाले भी, ऐसा आप लोग भी करेंगे वो भी मुझे पता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग कहते नहीं है कि अगर दिल में आपके रहेगा ना कि आपको नौकरी किसकी वजह से मिली, तो यही आपको लगेगा हाँ सार्थक भाई थे उनकी वजह से नौकरी मिली है, बस वही चाहिए। क्योंकि हर कोई दरकिनार कर सकता है, हर कोई झुठला सकता है, लेकिन अपनी अंतरात्मा कभी भी उस एहसान को झुठलाती नहीं है, दरकिनार नहीं करती, उस चीज को हमेशा एक्सेप्ट करके चलती है। तो आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ बहुत जल्दी आप लोगों के सपने साकार होने चल रहे हैं, आप लोगों की कोर्ट में विजय होने चल रही है, आप लोग चिंता ना करें, बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। और एलटी ग्रेड के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन, कैबिनेट की मीटिंग हो सकता है कि ना हो, लेकिन कैबिनेट वाइज सर्कुलेशन के माध्यम से हम लोग प्रयास में है कि हम लोगों को धनतेरस के पहले पहले, मतलब 28 तारीख के पहले पहले हम लोगों को यह आदेश नियमावली वगैरह सब एक्सेप्ट होकर के मिल जाए, ताकि हम लोग अक्टूबर में दीपावली तक हम लोग जो है विज्ञापन को जारी करवा लें एलटी ग्रेड का, ताकि नवंबर में हम लोगों के आवेदन हो जाए। ठीक है ना, हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारी चीजें पॉसिबल जाएंगी, सारी चीजें पॉजिटिव जाएंगी, सब कुछ मुमकिन है इस दुनिया में, बस आप सभी लोगों से सहयोग चाहिए। लेकिन सहयोग क्या, आप लोग तो दरकिनार कर रहे हो, है ना, तो दिक्कतें वहीं पे आती हैं। रही बात टीजीडी पीजीडी 2022 के लिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस पे भी फैसला शिक्षा सेवाचार आयोग की आज मीटिंग है, ठीक है, इस पे फैसला कन्फर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की कब हो रही है। ठीक, चिंता ना करिए, क्योंकि सेंटरों के एसओपी के लिए जो जवाब भेजा गया था शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कि आप तब्दीलियां करिए, और लोक सेवा आयोग की तरफ से कि आप तब्दीलियां करिए, इसी की वजह से अभी तक पीसीएस, क्योंकि पीसीएस के बारे में जब हम लोगों ने डिप्टी सीएम सर से बात की थी इस मुद्दे पर, तो उन्होंने कहा था कि ये थोड़ा सा मामला पेचीदा है, इस पर डायरेक्टली मुख्यमंत्री महोदय ही निर्णय कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि ये बातें अगर मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचे, हालांकि विधायकों ने पहुंचा दिया है वो मैटर, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला हुआ नहीं है, जिसकी वजह से विद्यार्थी सड़कों पर हैं, कहीं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तो कहीं नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, तो कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो मानवतापूर्वक, मतलब संवेदनशीलतापूर्वक अगर उस चीज पर विचार करने की कोशिश करेगी, तो बहुत से विद्यार्थियों का कल्याण हो सकता है। बहुत से विद्यार्थी हमसे संपर्क करते हैं कि भैया ऐसी चीज है, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप 97 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए भैया। अगर आप कॉल करते हैं, अगर आप जो है मतलब हमारे पास पर्सनली वॉइस कॉल करते हैं, तो सॉरी टू से आई विल नॉट एक्सेप्ट योर कॉल, ठीक है ना। इसका एक रीजन है क्योंकि अपनी भी व्यस्तता है, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा व्यस्तता चल रही है इस समय हमारी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉल रिसीव कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपका मैसेज जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा, और कोशिश ये करिए कॉल ना करिए, ठीक है ना, चिंता ना करिए। 97 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे टेट सुपर टेट टीजीडी पीजीडी एलटीजीएसई यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई, क्योंकि यूपी कांस्टेबल की एक नई वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना, इसका फिजिकल उजकल का सारी चीजें होंगी, और आप लोगों को 2025 में, मतलब मिड में जुलाई जुलाई तक आप लोगों को एक बार फिर से 45,000 की यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। यूपी ट्रिपल एससी फिर से अपनी पटरी पर लौट रहा है धीरे धीरे, और लोग ये बता रहे थे कि मतलब आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा लोअर सबॉर्डिनेट का जो विज्ञापन है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लोअर सबॉर्डिनेट के लिए इसमें घसमत चल रही है लोक सेवा आयोग और यूपी ट्रिपल एससी के बीच में, ठीक है, तो देखते हैं क्या चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। पीईटी 2024 का जो विज्ञापन है वो आप लोगों को नवंबर महीने में देखने के लिए मिलने वाला है। चिंता ना करें, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। याद रखें, अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो आप 97 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।